देखिए दोस्तों, ये ईगो टीवी का सर्किट बोर्ड है। दोस्तों इस टीवी में फॉल्ट है जो कि स्टैंड बाय रिलीज हो रहा है, लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। पिक्चर नहीं आ रहा इसका मतलब इसमें ESD भी नहीं बन रहा है। दोस्तों देखिए, इसको मैं बटन पुश करता हूँ तो ये लगता है कि स्टैंड बाई रिलीज हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसमें पिक्चर ट्यूब में लाइट नहीं आ रही है और ESD साउंड भी नहीं कर रहा है। तो आपको मैं सामने जाके दिखाता हूँ कि ये देखिए, इसमें कुछ लाइट नहीं आ रहा है। ये ईगो का 14 इंच का टीवी है। तो ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार का इसका फॉल्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, पीछे इसके सभी वोल्टेज मैंने चेक कर लिया, लेकिन जो स्टैंड बाय रिलीज होने के लिए जो वोल्टेज आता है वहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे 11.48 ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है, जो कि ये स्टैंड बाय रिलीज होने के लिए यहाँ से होते हुए यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा, इस ट्रांजिस्टर पे आया है। तो इस ट्रांजिस्टर के इनपुट में वोल्टेज आ रहा है और आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ एक ट्रांजिस्टर नहीं लगा है, वहाँ से आउटपुट होके इस ट्रांजिस्टर के इनपुट पे आता है, जो कि 8 वोल्टेज का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अभी टीवी स्टैंड बाय रिलीज नहीं है। अभी मैं इसको रिलीज करता हूँ पहले इस ट्रांजिस्टर में। अभी रिलीज करने के बाद में इसका वोल्टेज देखते हैं। तो जैसे ही रिलीज होगा तो ये LED ग्लो कम हो जाएगा। तो ये कम हो गया है, तो स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। और अभी देखते हैं इसमें जो वोल्टेज 11 पॉइंट कुछ आ रहा था वहाँ अभी ड्रॉप हो गया है। 5 वोल्ट दिखा रहा है इसके इनपुट में और आउटपुट में 3.8 दिखा रहा है। तो स्टैंड बाय रिलीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होके जा रहा है। तो इस रेगुलेटर IC पे 3.8 वोल्टेज आ रहा है, जो कि कम है, इसमें ज़्यादा आना चाहिए। इस रेगुलेटर IC से आउटपुट वोल्टेज 2.9 हो रहा है, मतलब इनपुट में वोल्टेज कम आ रहा है तो आउटपुट में भी कम ही आ रहा है, जबकि आउटपुट में 8 वोल्टेज आना चाहिए। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है ये ड्रॉप हुआ है और ये यहाँ से डायोड से आ रहा है। तो यहाँ पे 11 था लेकिन अभी ST वो अभी 6 वोल्टेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक समस्या थी दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, इसके लिए मैंने एक कैपेसिटर चेंज किया है, जो कि ये था। देखिए ये 470 माइक्रोफेरेड 35 वोल्टेज का है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था और मैंने इसको बदल के दूसरा लगाया, अभी ऊपर ही लगाया, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। पावर ऑन किया, अब स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ दोस्तों। तो ये रिलीज हुआ। तो दोस्तों स्विच बल्ब पर ग्लो किया, स्विच बल्ब पर ग्लो किया दोस्तों। ESD बन रहा है हमारा, ESD लोड ले रहा है, इसलिए स्विच लैंप ऑन हो रहा है। तो ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है और अभी ESD ऑन हो गया है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये ESD ऑन होते ही इसमें इसका फिलामेंट CRT ट्यूब का फिलामेंट ग्लो करने लग गया है और ये हमारा TV चालू हो गया है। देखिए मैं सामने आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम आ रहा था, हो सकता है आपके केस में भी यही हो,
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये ईगो टीवी का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी सभी वोल्टेज 110 का भी सही था इसका। तो मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को ये जो फॉल्ट था वो दिखा दिया। तो देखिए दोस्तों, पहले जो वोल्टेज आ रहा था और अभी कैपेसिटर चेंज किया तो क्या वोल्टेज आ रहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज मैंने इस पॉइंट पर रखा है तो यहाँ 11 पॉइंट आ रहा था, अभी देखिए 14.5 वोल्टेज आ रहा है। मतलब कि हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा था वो सही हो गया है। ड्रॉप होने के बाद में हमारा इस ट्रांजिस्टर पर भी वो इनपुट हो रहा था वो वोल्टेज। तो इसको मैं प्रॉपर लगा के आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इस पर भी इनपुट पर सही आ रहा है, फिर वहाँ से आउट होके हमारा इस रेगुलेटर आईसी पे आया था, तो यहाँ पे इनपुट हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट में 14 वोल्टेज आ रहा है और आउटपुट में 8 वोल्टेज हमारा, क्योंकि रेगुलेटर 1 वोल्टेज का है तो 8 वोल्टेज के समथिंग ही आ रहा है, 7.8, तो 8 वोल्टेज के लगभग ही आ रहा है दोस्तों। तो हमारा ये वोल्टेज सही हो गया, सही होने से हमारा एसटी बन गया है और हमारा ये टीवी ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपको इतना ही।